हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ जिसमें आपको हाई क्वालिटी का फोटो एडिट करके बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबा लें। और हाँ, जितना इसमें मटेरियल यूज करूंगा सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप आसान तरीके से डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फोटो को आज एडिट करने वाले हैं। सबसे पहले हम चुनाना है यहाँ पर सेट आपकी का, यहाँ पर वहाँ सेट करेंगे। इसको शेयर करेंगे लाइट रूम के अंदर। चलिए मैं लाइट रूम के अंदर शेयर कर देता हूँ। ये देखिए लाइट रूम, यहाँ से मैं शेयर कर दिया लाइट रूम के अंदर। गया लाइट रूम के अंदर, आप खुलता हूँ लाइट रूम, लाइट रूम के अंदर आया और इसको इफेक्ट लगाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इफेक्ट दिख रहा है, इसके आने के बाद यहाँ से एक इफेक्ट लेता हूँ। ये लाइट रूम लूँगा, ये लाइट रूम लेने के बाद यहाँ पर थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर कॉपी राइट, कॉपी राइट करें, कॉपी सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है। सेटिंग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉपी सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर हम कर करेंगे। क्योंकि यहाँ पर कॉपी यहाँ पे बैक कर देंगे, यहाँ से बैक करेंगे राइट। यहाँ से बैक करने के बाद अपने आएंगे उस वाली फोटो के अंदर। देखिए फोटो को यहाँ पे यहाँ पर दिखाया फ्री होता है, यहाँ से आएंगे फ्री बटन आएंगे। आने के बाद यहाँ पर देखिए कॉपी सेटिंग वही दिखता है, कॉपी सेटिंग का ऑप्शन यहाँ कॉपी सेटिंग करेंगे, यहाँ से होगा सेट। उसके बाद आएंगे यहाँ से आएंगे एडजस्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे। तो एडिट का ऑप्शन है, यहाँ एडिट करेंगे। एडिट आने के बाद आएंगे कलर पर, कलर का ऑप्शन कलर का ऑप्शन है, कलर पर आएंगे। कलर पर आने के बाद यहाँ पर आएंगे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम आएंगे येल्लो, येल्लो का जो ऑप्शन है क्योंकि येल्लो है, येल्लो पर आएंगे। येल्लो पर आने के बाद कुछ क्लिक कर देंगे, हंड्रेड प्लस कर दे रहे हैं। ये जो है एट्टी प्लस, उसके बाद आएंगे ये जो है इसको भी थोड़ा कम कर दे रहे हैं कुछ इस तरह। अब यहाँ करेंगे कम, कम करने के बाद यहाँ पे जाएंगे सेट कर देंगे। देखिए इसके पास में सेट का ऑप्शन ही दे, यहाँ पे सेट कर देंगे। सेट करने के बाद यहाँ ये देखिए सेट लिखा है, सेट कॉपी टू डिवाइस, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव कर इसको सेव करने के बाद आएंगे इसमें पे, इसमें से दिख रहा है, इसमें से क्लिक करेंगे। यहाँ से ओपन फाइल देखिए, यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये जो है यहाँ से जो फोटो सेव करते हैं यहाँ से ले लेंगे। यहाँ से लेने के बाद ये फोटो पर क्लिक करेंगे। देखिए जो ऑप्शन आ रहा है ये वाला फोटो, ये अब आएंगे इसमें, आएंगे ये वाले ऑप्शन पर, इस पर क्लिक करेंगे। अब आएंगे ये वाला ऑप्शन भी दिख रहा है आपको, ये स्पेस पे इसको क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये वाले ऑप्शन थोड़ा सा इस पर एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्ट करने के बाद कुछ ऐसे कर देते हैं, कुछ ऐसे हैं। इसको करने के बाद इसको कलर पर इतने वाला कलर करना है, ये वाला कलर करना, कॉलम कॉलम टू पे आना। आने के बाद यहाँ से आपको सेव कर देना है, ये देखिए सेव का ऑप्शन है, यहाँ से सेव कर देना है, यहाँ पे आपको सेव कर देना है। देखिए अगर यहाँ से टाइप लग गया फोटो, इसके आने के बाद आपको मैंने कुछ का कुछ का ऑप्शन दिया, यहाँ पर आने के बाद ये वाला क्लिक करेंगे। उसके आगे ये वाले पर उसके आने के बाद कुछ ऐसे कर देंगे, कुछ करेंगे ऐसे बाहर देंगे, उसके ऐसे बाहर निकला उसके बाद उसके बाद लगा लेंगे। कुछ ऐसे को तो मान लीजिए 63 का कर देता हूँ, ये वाला जो है ये जिसको इतना पास कर देता हूँ 50 का। इसको करने के बाद जम कर देने के बाद आपको आना है ये वाले ऑप्शन पे, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको आना है व्यूज की डिटेल्स पर आना है। इसको क्लिक करने के बाद ये वाला ऑप्शन दिखता है, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आएंगे ये वाला ऑप्शन पर, इस पर क्लिक करने के बाद ये जो क्लिक का निशान दिखाया है ये जो क्लिक का निशान दिया है ये इसके ऊपर 100 रखेंगे। 100 रखने के बाद आपको करना क्या है, ये जो बाल पे है बाल वो ऐसे ऐसे करेंगे। इससे क्या होगा कि बाल का जो स्मूथिंग रहेगा ये कुछ अलग ही टाइप में दिखेंगे, बढ़िया से एकदम अच्छी टाइप दिखेगा। इसका इसमें कुछ बढ़ा देते हैं कलर, हेयर कर दे रहे हैं। इसको हेयर करने के बाद इसको ऐसे करने के बाद चलिए मैं कर देता हूँ, तब तक मैं वीडियो सिर्फ बाल पर आपको करना है गाइस। यहाँ पे आपको आने के बाद यहाँ पे आपको डन कर देना है। देखिए डन का ऑप्शन है, यहाँ से सेव कर देना है। यहाँ पे सेव करने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आपको आना है ये वाला टूल पर। ये आने के बाद आपको करना क्या है, ये जो है इसको थोड़ा सा रिफ्रेशन कम कर देना है, इसको ऐसे कर देना है ये वाला, यहाँ जितना कर देना है। करने के बाद यहाँ पे डन कर देंगे। डन करने के बाद आप फिर आएंगे टूल्स पे, टूल्स पे आने के बाद आपको करना क्या है ये वाले ऑप्शन पर ब्रश ये वाला पर क्लिक करना है। इस पर करने के बाद आपको ये वाला चूज कर लेना है, ये वाला इसको करना है। करने के बाद आपको दस पे करना है। अब इसका जो ये है इसको वेट करना है, वेट कर दे रहा हूँ देखा। सेव करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ से सेव करना है। सेव करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ ही लाजवाब लगाएगा जो आप यहाँ से आने के बाद कुछ करना नहीं है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ से सेव कर देना है। सेव करके यहाँ पे सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए सेव ऑप्शन, यहाँ से सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपको आना है इस वाले ऐप में आना है आपको गाइस। देखिए ये वाला ऑप्शन है, इस ऐप में आना है, उसमें आने के बाद क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से फोटो ले लेना है गाइस, ये फोटो है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आना है हमको
ये वाले ऑप्शन में, ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आना है गाइस। यहाँ पे आने के बाद कुछ ये वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है, ये जो ऑप्शन दिख रहा है इफेक्ट का, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आना है ये वाले को, ये जो इफेक्ट दिख रहा है इस पर आना है। तो इस पर आने के बाद आपको करना क्या है, कोई भी यहाँ से ले लीजिए जो बाल कलर फिक्स हो सकता है, ठीक है, ये यही वाला ले लेते हैं। इसको लेने के बाद आपको करना क्या है गाइस, ये वाला ऑप्शन ले लीजिएगा, वो ये वाला, ये वाला लेने के बाद आपको आना है ये वाले, ठीक है, इसमें पहले बार आपको आना है ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे ये वाले का, करने के बाद आपको आना है सिर्फ ये वाला है, इसको क्लिक करेंगे, इसको करेंगे, इसको करने के बाद आपको करना क्या है, ये जहाँ जहाँ ऐसे दिख रहा है गाइस इसको हटाना है, देखिए इसको हटाना है, देखिए मैं हटा दे रहा हूँ, ऐसे ही करना है गाइस, चलिए मैं तब तक हटा दे रहा हूँ वीडियो लंबा। देखिए गाइस पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, देखिए पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, फिर इसको ऐसे करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ से आपको सेव करना है, देखिए सेव का ऑप्शन दिया है, यहाँ से आपको सेव करना है। तो सेव करने के बाद आपको आना है ये वाले ऑप्शन के अंदर, देखिए आने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ से भी सेव कर देना है, यहाँ पे सेव करने के बाद आपको चलना है लेके पिक्सआर्ट में, पिक्सआर्ट को लेकर लिमिट चल रहा हूँ पिक्सआर्ट के अंदर, तो सेव करने के बाद यहाँ सेव कर देना है, ओपन कर लेते हैं पिक्सआर्ट, ओपन करने के बाद आए थे प्लस वाले ऑप्शन पे, आने के बाद यहाँ पे फोटो ले लेंगे, कोई फोटो लेंगे, देखिए वही फोटो लिए, मैं लेने के बाद आपको आना है सर्च बार, सर्च बार में आने के बाद क्या करना है, ये सर्च बार, सर्च बार क्लिक करना है, सर्च बार स्टिकर का, स्टिकर बार स्टिकर में क्लिक करना है, स्टिकर पर यहाँ पर क्लिक करना है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई क्लिक करने के बाद आपको लेना है यही वाला बटन, लेना है बटरफ्लाई, देखिए यही वाला बटरफ्लाई लेना है, इसको लेने के बाद आपको करना है थोड़ा सा छोट कर, थोड़ा सा छोट कर यहाँ पे, यहाँ पर बाद आपको यहाँ से डुप्लीकेट लेना है, डुप्लीकेट लेना है गाइस, यहाँ से देखिए डुप्लीकेट लेना है, जो रहा है इसमें यहाँ से आपका डुप्लीकेट लेना है, डुप्लीकेट लेने के बाद यहाँ पे गिरा कर यहाँ पे इस पर बैठा, यहाँ पे आके पहले बैठा दे, बैठा देगा पूरा पैसा ये वाला है, इसमें पूरा पैंतीस सौ का कम कर देते हैं, पैंतीस कम कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देगा, छोटा करके लाइट ऑप्शन है, लाइट क्लिक करेंगे, क्लिक करके इसको Don't worry me. Don't worry me.